दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और उसकी जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो ताकि सभी लोगों को ये जरूरी मैसेज मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक स्टैचू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन लाया हूं। दोस्तों ये टॉपिक हाल ही में बहुत चर्चित रहा है, इसलिए इस टॉपिक से आगामी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होने वाले हैं आप समझ लीजिए कि 2 से 3 क्वेश्चन 100% श्योर पूछा जाएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सारे इस वीडियो में आपको कवर करूँगा। एक फैक्ट ये देखिए, तो आप यदि इस वीडियो को पूरा देख लेते हो आपका लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए पक्का हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को इग्नोर न करते हुए लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, इसे अपने दोस्तों का शेयर कर दें इस वीडियो को। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर ऑन कर लें ताकि आपको इसी तरह की डेली वीडियोज मिलती रहे। चलिए पहला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महान व्यक्ति की प्रतिमा है? तो ये दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है ये। अगला क्वेश्चन बनता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री थे, ठीक है, भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री। अपने दृढ़ इच्छा शक्ति नेतृत्व कौशल से 6 स्वदेशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये गुजरात में, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के किस जिले में स्थित है? ये स्थित है नर्मदा में, ठीक है। क्वेश्चन आपसे यही हूबहू डिट्टो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर बांध से कितना दूर स्थित है? तो 3.2 किलोमीटर दूर नर्मदा स्थित साधु बेट टापू पर स्थित, ठीक है, साधु बेट टापू पर स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास कब किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% पूछा सकता है। 31 अक्टूबर 2018 को स्टैचू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस धातु से निर्मित है? दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी निर्मित है कांस्य धातु से, किससे? कांस्य से। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा के शिल्पकार कौन थे? डिजाइनर थे राम बी सुतार, ठीक है, राम बी सुतार स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा के शिल्पकार थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ यूनिटी की कुल ऊंचाई कितनी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी कुल ऊंचाई है 182 मीटर, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा हो गई है, सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी कुल ऊंचाई 182 मीटर। स्टैचू ऑफ यूनिटी का आधार सहित कुल ऊंचाई कितनी है? तो ये 240 मीटर, ठीक है, आधार सहित कुल ऊंचाई है 240 मीटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में कुल कितनी लागत आई है? तो आई है 2989 करोड़ रुपये। स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में कुल लागत कितनी आई है? 2989 करोड़ रुपये। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में कितना समय लगा है? तो दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में 33 महीने का समय लगा, ठीक है, 33 मंथ्स। स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किस कंपनी ने किया है? दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया है लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने, ठीक है, लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने। स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2018 को, 31 अक्टूबर 2018 को किया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण, स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन सरदार पटेल की किस जयंती के अवसर पर किया गया है? दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर किया गया, ठीक है, 143वीं जयंती के अवसर पर। स्टैचू ऑफ यूनिटी से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति किसकी थी? स्प्रिंग टेंपल बुद्ध थी जो चीन में स्थित है, इसकी लंबाई थी, इसकी ऊंचाई थी 153 मीटर। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को, ठीक है, 31 अक्टूबर 1875 को। देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि भारत की आज़ादी के बाद प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, और बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल को सफलता वहाँ पे सत्याग्रह की सफलता पर वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है, सरदार की उपाधि। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर, 2014 से मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सरदार भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। यहाँ पे सरदार की उपाधि किसने जीती थी, तो मैं आपको बताया सरदार की उपाधि प्रदान की थी बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व करे पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहाँ की महिलाओं ने जो सरदार की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। तो भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। तो काफ़ी चर्चित रहे हैं ये, इसलिए ये क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन रटे होने चाहिए, बिल्कुल आगामी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न कब मिला था? दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न मिला था 1991 में मिला था, ठीक है, कब मिला था? 1991 में। देखो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, तत्काल बम्बई प्रेसिडेंसी में, वर्तमान में गुजरात राज्य, ठीक है। तो ये आपको सारे फैक्ट याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगामी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा
दोस्तों इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, हमारा प्रयास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर करेंगे मोटिवेट करने के लिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, जितना यदि अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, काफ़ी मेहनत लगती है। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक व्हाट्सएप जितने भी ग्रुप है फटाफट। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए यदि आपने नहीं किया है, साथ में घंटी जो है बगल में उसको जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की डेली वीडियोज़ मिलती रहे। दोस्तों आपको आगामी एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको अपडेट मिलती रहेगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद जय भारत। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताता हूँ कि प्रतिदिन हमारे वीडियो क्लास होता है हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारे वेबसाइट पे। अगर आप इसे लगातार देखना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे वेबसाइट को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी के बटन दबा दो, लाइक बटन को दबाओ और व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर जो भी यूज़ करते हो शेयर करो ताकि सब तक ये जानकारी फ्री में पहुँच सके। मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो, जैसे टेक्निकल डिटेल समझ में नहीं आ रहा है, फॉर्म कैसे भरना समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, वेबसाइट के कमेंट बॉक्स में लिखो, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखो, हमारे एक्सपर्ट टीचर आपको संपर्क करके आपकी सहायता ज़रूर 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 करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने जो भी जीके करंट अफेयर्स सामान्य ज्ञान ये सब का जो बना रखा है नोट्स वगैरह, अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, वेबसाइट पर डाल रखा है, जैसे कि एक्सपर्ट टीचर ने बनाया है, सबका लिंक वीडियो के नीचे वर्णन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दिया गया है या ऊपर कोने में आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हो। अगर आप अपनी तैयारी अच्छी करना चाहते हो तो डेली 2-4 वीडियो हमारे वेबसाइट से देखो, वेबसाइट से पढ़ो, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी।